हेलो माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, आज आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वैगनआर है। इसका इंटीरियर बहुत ही गंदा हो चुका है, तो हम लोग मैट वेट पूरा खोल करके पूरा क्लीन करके आप लोग को बताएंगे, पूरा सफाई करके बताएंगे। बाहर में इसी का चार्जेस आपको 3000 प्लस देना रहता है, प्लस GST। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल टूल लेकर के आए हैं। ये स्पेशल टूल है हमारे पास, इसके हेल्प से हम लोग इसको पूरा खोलेंगे। आइए हम आपको साफ करके पूरा क्लीन करके बताते हैं। अंदर का क्लीनिंग करने का हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग सीट को खोलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमको ये नट्स खोलने हैं, तो ये हमारे पास ये स्पेशल टूल है जिनसे हम इसको खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं हम लोग नट को खोल रहे हैं। ये हम लोगों ने सीट को आगे कर लिया, उसके बाद हम लोग सेम ये हमको पीछे के ये नट्स खोलने हैं, ये वाला और वो वाला। ये देखिए हमने चारों नट खोल लिए। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा पूरा सीट रेडी है बाहर निकलने के लिए। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, वो ये है कि हम जो सीट बेल्ट लगाते हैं उसका कपलर के थ्रू कनेक्शन रहता है, जिससे ये पता चलता है कि हमने सीट बेल्ट को लगाया है कि नहीं लगाया है। उसका सिग्नल आपको डिस्प्ले पे दिखता है, तो उसका कनेक्शन नीचे कपलर का है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही अगर आप सीट को निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वो कपलर आपका टूटने का गुंजाइश बना रहेगा। ये देख सकते हैं कि थोड़ा जूम कर लेते हैं, वो देख सकते हैं कि आपका कपलर का कनेक्शन है, इसको आपको निकालना है। देन उसके बाद अगर आप सीट निकालेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप एक बार में खींच देंगे तो ये कपलर वाला कनेक्शन आपका ब्रेक हो सकता है। ओके, कपलर के बाद एक क्लिप और है। ये देख सकते हैं एक लॉक सिस्टम टाइप का है, इसको प्रेस करके बाहर खींचना है, इसको ब्रश करके बाहर खींचना है और इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके निकालना है। अब आपका पूरा ये सीट निकालने के लिए रेडी है। ये हम को ड्राइवर सीट का निकाल रहे हैं सीट। ये देखिए ये हमारे सामने के दो सीट आ गए जिस पे आप बैठ के मजे ले सकते हैं। और अब हम खोलने जा रहे हैं पीछे का सीट। तो ये हम लोगों ने लूज करके रखा हुआ था पहले से ही, आप इसको देख सकते हैं कि ये भी खोलना बहुत आसान है। अलग अलग गाड़ियों में ये अलग नंबर का पाना से ही खुल सकता है, मेरे गाड़ी में ये 17 नंबर के पाना से खुला है। तो आप देख सकते हैं ये दो नट खुलने के बाद में हमारा पीछे का भी सीट खुल जाएगा, जो कि आपके लिए सोफा जैसा काम करेगा। अगेन आप इस नट को संभाल के रखिए, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे गाड़ियों के सारे सीट आ गए और अब आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी पूरी की पूरी खुली हुई है। ये देख सकते हैं कि इसको खोलने के लिए एक खास टाइप का मैकेनिज्म है, बीच में से एक तो डालना है फिर, और ये देखिए बाहर आया। ये अभी आपको मैं पूरा दिखाता हूँ पूरा सिस्टम। ये देखिए इस टाइप का ये लॉक होने का, तो आपको उसके बीच में, हाँ वहाँ पर आपको बीच में किसी चीज़ से आपको उसको पुश आउट करना है, तब ये लॉक खुलेगा। अब हमारा अगला काम है इस पूरे गियर बॉक्स कंपार्टमेंट को खोलना। अब हम आगे इस वाले कंपार्टमेंट को खोल के दिखाएंगे, उसके बाद ही हमारा आगे का स्टेप प्रोसेस हो पाएगा। ये देखिए ये लॉक फिटिंग सिस्टम है और ये गियर बॉक्स को, ये एक आखिरी नट जो आपको अंदर में दिख रहा है, हाथ हटाने, ये देखिए ये नट है, इसको आपको खोलना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये नहीं निकलेगा, तो आपको इसको निकालने के लिए आपको इसको बीच में से ऐसा पार करना पड़ेगा और ये फिर आपका ये पूरा चैम्बर बाहर आ पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। अब आप इस टाइम पे आप अपने हैंड ब्रेक को उतार सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से उसके बीच में से पार करके आपका ये पूरा चैम्बर बाहर आ गया। अब आप देख ही सकते हैं कि देखिए कितनी गंदगी है। यही सब चीज़ें हैं जब आप सफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए आप पूरा हैंड ब्रेक का पूरा सिस्टम, यही रस्टिंग लग लग के ख़राब होता है और फिर अचानक से आपका हैंड ब्रेक फेल हो सकता है। ये हमारा गियर सिस्टम, अब हमारा जो अगला स्टेप है ये आप देख सकते हैं,
ये लॉक सिस्टम वाला पूरा सिस्टम है, और ये यहाँ पर का हिस्सा था इस तरीके से कुछ, तो ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो आपको एक साइड से निकालते हुए आना है, देन आपको नीचे से निकालना है, फिर अगला वाला हम लोग को इसको निकालना है, इस तरीके से पूरा ये निकालते हुए हम लोग को जाना है ये पूरा। देखिए हम लोगों ने अगला पोर्शन भी निकाल लिया। अब हमको ये सीट बेल्ट से ऊपर का लगा हुआ हिस्सा इसको निकालना है। ये दोनों साइड है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये एक आगे साइड से भी है और ये यहाँ पीछे साइड से भी है। ये जब पूरा निकल जाएगा ना तो आप क्या देखेंगे कि पूरा वायर बिछा हुआ है, वो पूरा आपको क्लियर दिखने मिलेगा। अब ये पीछे सीट का ये भी हमको निकालना है, ये देखिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका पूरा इजिली आपका रिमूव हो जाएगा। हमारा एक पीछे वाला लॉक बस बचा है, उसको निकालेंगे, फिर हमारा ये प्रोमेट निकालने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये लॉक्स को आपको खोलना है तब जाके ये बाहर आएंगे, तो ये किनारे किनारे सब जगह लॉक्स लगे हुए हैं, तो हमको इनको खोलना है। ये लास्ट स्टेप है, ये देखिए ये इस टाइप के कुछ लॉक्स लगे हुए हैं आपके मैट के ऊपर में, इनको आपको निकालना है, फिर आपका मैट पूरा रिमूव हो जाएगा। अब हमारा अगला स्टेप में हम बस इस मैट को निकालने वाले हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको ये जो भी आपके गियर बॉक्स हैं उनके बीचों से बीच से आपको बड़ा संभाल के निकालना है, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये हम लोग इसको निकाल रहे हैं, और ये क्या दिख रहा है हमें, ओहो ये वही झुमका है जिसके बारे में बताया जा रहा था कि हमें नहीं मिल रहा है करके, और ये मेरे को लगता है कि शायद ये सीट से होते हुए पीछे सीट से होते हुए नीचे गिर गया। देखिए आज हमें ये मिला इतना दिनों में, हाँ बहुत ज्यादा यार। अब उसका एक सिंगल पीस को क्या करूंगी बोल के पहन भी नहीं रही थी, और आप ये देख सकते हैं कि अब हमारा पूरा वायरिंग का जो सिस्टम है, थर्माकोल है, ये सारी चीजें दिख रहा है, ये हमारा टैंक है, ये इसका सेंसर है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं कि आपका गाड़ी अंदर से ओपन होने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए हम लोगों ने थर्माकोल भी निकाल लिया, तो आज हमने अपनी पूरी गाड़ी को पूरा खोल लिया अंदर से, और अब हम पूरे इंटीरियर को अच्छे से साफ सफाई करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग इसको दोबारा से फिट करेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है, जो जिस तरीके से आप खोल रहे हैं उसी तरीके से आपको वापस लगाना है। हमारे ड्राइवर साहब बिना सीट के ओह फुल गाड़ी चला रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं, देख रहे हैं आजकल के लड़कों लोगों को बिना सीट के स्टूल लगा करके गाड़ी चलाएंगे बोल रहे हैं, खिलौना समझ रहे हैं लग रहा है इसको।